हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पंतनगर थाना क्षेत्र में आज सुबह बस और पिकअप की भिड़ंत हो गई। पिकअप में सवार मजदूरी करने जा रहे 31 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। 5 लोगों की हालत गंभीर होने पर हल्द्वानी हायर सेंटर रेफर किया है। सूचना पर एसएसपी समेत तमाम अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। पुलिस ने बस चालक और मजदूरों के ठेकेदार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सभी घायल दिनेशपुर के रहने वाले हैं और पंतनगर खेत में मजदूरी करने जा रहे थे। रुद्रपुर से हमारे संवाददाता विनोद अग्रवाल की रिपोर्ट। ये ऐसे जो भार वाहनों में सवारी ढोती है गाड़ियाँ, उनके खिलाफ हम लोगों की लगातार कार्रवाई चलती रहती है। ऐसे ड्राइवर्स का हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसको 3 महीने के लिए पहले सस्पेंड भी करते हैं। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि भार वाहनों में सवारी ढोने पे 3 महीने के लिए DL को सस्पेंड करना है। बाकी जैसा कि अभी आपको पता ही है कि हम जो लगातार अभियान चला रहे हैं, ओवरलोडिंग जो गाड़ियां हैं उनके खिलाफ ड्राइवर और मालिक दोनों के खिलाफ FIR करवा रहे हैं। इस तरह की जो भी गाड़ियां हमें मिल रही हैं उसमें हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमा करवाएंगे। ये जो आज की घटना है ये एक अप्रिय घटना है, अफसोसजनक घटना है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो भी गाड़ियाँ हमें मिलेंगी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सबके खिलाफ मुकदमा कराया जाएगा, सबके DL सस्पेंड कराए। सर, छोटा हाथी रहे ये, इसमें 25 से 30 महिलाएं भरी हुई थी, जबकि ये सामान ढोने का वाहन है, तो इस वाहन स्वामी है चालक है, उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई होगी? देखिए, इसके खिलाफ जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, पुलिस ने जो चालक है उसके खिलाफ FIR कर ली है। बाकी हम जो इसमें देखेंगे, हम इसमें जो इसका DL है वो सस्पेंड या रिवोक कर देंगे, और जैसी भी जो भी संभव सहायता पुलिस को और प्रशासन को रहेगी वो हमारी तरफ से रहेगी इस मामले में। बाकी इस तरह की जो गाड़ियां चल रही हैं उनके खिलाफ हम एक जो अभियान चल ही रहा है उसको और भी तेज़ गति से चलाएंगे, ताकि इस तरह की जो भार वाहन में सवारी ढोलने की प्रथा है इसको कम किया जा सके। देखिए, आज सुबह करीब 8:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि हल्द्वानी मोड़ की तरफ एक पिकअप ट्रक जा रहा था, जिसमें 25 से 30 महिलाएं थी ज़्यादातर, जो लेबर का काम करने दिनेशपुर से पंतनगर के फार्म की तरफ जा रही थी। उस पिकअप को एक बस ने टक्कर मार दी, जिसमें पिकअप पलट गया था और ये सारी महिलाएँ घायल हो गई थी। इन महिलाओं को तुरंत ट्रीटमेंट के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से 5 महिलाओं को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया गया, और बाकी महिलाओं का और जो एक दो पुरुष और थे उनका ट्रीटमेंट यहीं पर फिलहाल चल रहा है। मैम, कौन सी गाड़ी थी जिसने टक्कर मारी? देखिए, अभी तक जो सामने आया कि एक बस थी, जो इंटरसिटी बस होती है प्राइवेट, वो थी। क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अब इसमें जो भी सुसंगत धाराओं में इसमें FIR तुरंत पंजीकृत की जाएगी और इसमें पूरी जाँच करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी और गिरफ्तारी की जाएगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।